नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद कई कॉन्ट्रोवर्सीज, कई थ्योरी सामने निकल कर आ रही हैं। अब जो एक रीसेंट खुलासा हुआ है वो इस चीज़ को लेकर हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास के बारे में उस वक्त से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था जब BCCI ने उन्हें झटका दिया था। BCCI ने उन्हें किस वक्त पर झटका दिया था? जब BCCI के जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे इस साल की शुरुआत में, जो हर साल रिन्यू होते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है। A+ कैटेगरी होती है, A कैटेगरी होती है, B कैटेगरी होती है और C कैटेगरी होती है। इन सारी कैटेगरीज में हर खिलाड़ियों को रखा जाता है। आप किस लेवल पे कितने मैचेस खेल रहे हैं और तीनों फॉर्मेट्स में आप कंबाइन कितना ज़्यादा खेल रहे हैं, उस लिहाज से आपकी कैटेगरी तय होती है। यानी जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मैचेस खेल रहा है अक्रॉस द फॉर्मेट्स, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, जैसे विराट कोहली हो गए, जैसे रोहित शर्मा उस लिस्ट में आ जाते हैं, तो उन खिलाड़ियों को जो है वो A+ कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद जो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स हैं और शायद वो एक फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं या एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों को A कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें चेतेश्वर पुजारा का नाम आ जाता है, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी, उसमें हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का भी नाम आ जाता है जो अक्रॉस द फॉर्मेट खेलते हैं लेकिन अभी उतने सीनियर हुए नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये BCCI कॉन्ट्रैक्ट जब इस साल रिन्यू हुआ तो इसमें एक खिलाड़ी का नाम मिस था और उस खिलाड़ी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। इस साल उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं हुआ था। वहीं से लगभग ये तय हो गया था कि अब महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास जो है वो किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि एक आम सा फॉर्मूला है इसमें, अगर आप लोग कहीं नौकरी करते हैं या कहीं काम करते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते हैं किसी के भी साथ। अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप वहाँ पर काम करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वो आपको उसके लिए पे नहीं करेंगे। तो क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस बार के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो ये बहुत एक सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अब वो BCCI के इस साल के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। यानी अब वो BCCI की सिलेक्शन या उसके तमाम फैसलों के भी एक तरह से उस सर्कल में नहीं आते हैं जिसमें वो सारे के सारे फैसले लिए जाते हैं। तो वहीं से ये क्लियर हो गया था। अब जो खुलासा निकल कर सामने आया है उसमें ये सामने आ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप पर सवाल खड़े करने लग गए थे कि BCCI ने अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं डाला, जो हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि क्या BCCI पहले से महेंद्र सिंह धोनी को, जो थ्योरीज चल रही हैं कि क्या BCCI महेंद्र सिंह धोनी के ऑल्टरनेटिव को पहले से ही अब थोपना चाहता था, उनसे पूछे बिना ही उनके ऊपर खिलाड़ियों को लगा देना चाहता था कि आपके ऊपर प्रेशर बना रहे, तो ऐसी भी थ्योरीज चल रही हैं जिसमें ये साफ निकल कर आता है कि और खिलाड़ियों को उनके ऊपर थोपा जाना था, इसी वजह से शायद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं किया गया। वरना आप खुद सोचिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने अगर खुद मना किया होता अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करने के लिए, या वो खुद ऑप्ट आउट कर चुके थे, तो फिर अब ये बातें सामने निकल कर क्यों आ रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उस वक्त पे अपने आप पे डाउट करने लगे थे। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स से इसको लेकर बात की, दोस्तों से भी बात की थी, कुछ खास लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत छोटा सर्कल है जो उनका, उस पर भी उन्होंने बात की थी सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो उस तरह से पैन आउट नहीं हो पाई और उसके बाद 15 अगस्त जो हम जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रिटायरमेंट का दिन जो है वो डिक्लेयर किया उसके बाद। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें, अब जो थ्योरीज और कॉन्ट्रोवर्सीज निकल कर आ रही हैं उसमें एक बात साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो संन्यास है वो पहले से तय अगर हो चुका था तो उसके पीछे BCCI का एक रोल हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें अब जुड़ रही हैं। शुरुआत में आपने ये भी सुना था कि सौरभ गांगुली जब से आए थे, जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंशियलशिप संभाली BCCI की, उन्होंने सबसे पहले इसी मसले पर बात जाननी चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी के फ्यूचर के बारे में क्या किस तरह से देख रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया है। क्योंकि आपको याद होगा 2008 के शुरुआत में दादा को ड्रॉप कर दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे साइड से, और उस वक्त पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके 8 महीने बाद दादा ने टेस्ट सीरीज से जो है वो संन्यास ले लिया था। आई थिंक नागपुर में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला था और वहाँ पर दादा के आखिरी टेस्ट में महेंद्र सिंह धोनी उन्हें लास्ट के सत्र में कप्तानी करने का भी मौका देते हैं, जो उनका आखिरी टेस्ट होता है। तो लोगों ने बहुत प्ले आउट किया इन सारी चीज़ों को कि उस वक्त का दादा बदला ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें मीडिया में चल रही हैं, हम इन पर प्रमाणिकता की मोहर नहीं लगाते, हम इन्हें ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं जिस पर अब ये एक नया एड ऑन हो चुका है कि क्योंकि BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं किया था, इसके बाद कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे आइसोलेट किया जा रहा है BCCI की तरफ से और मेरे ऊपर जो है कई नए खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही है जिससे मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। और उसके बाद फिर जो बची खुची कसर थी वो कोरोना ने निपटा दी, क्योंकि IPL आपका शिफ्ट हो गया, IPL शिफ्ट हो गया तो उससे पहले ही आपका वर्ल्ड T20 जो है वो लगभग आज से 13-14 महीने बाद खेला जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को 15 अगस्त की तारीख तक ले आई और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये एक थ्योरी और चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी सेल्फ डाउट की एक जोन में पहुंचे और सेल्फ डाउट के बाद उन्होंने कहा इट्स टाइम टू हैंग आउट माय बूट्स। तो ये निश्चित तौर पर एक और थ्योरी है
आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी षड्यंत्र से भरी हुई थ्योरीज इस वक्त पे बहुत सारी चल रही हैं मीडिया में। अलग अलग जगहों पर जिक्र हो रहा है कि धोनी अगर संन्यास ले चुके थे तो पहले ही उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, अगर उन्हें इस वक्त पे लेना था तो अचानक से ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बन गई। तो उन्हीं सबको सपोर्ट करती हुई ये थ्योरीज चल रही हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम इस पे ऑथेंटिसिटी की मोहर नहीं लगाते हैं, प्रामाणिकता की मोहर नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।